शनिवार को सुधा कुमारी ने घुटिया पंचायत से मुखिया के पद पर नामांकन दर्ज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सैनिक की पत्नी हैं और अपने वार्ड में ईमानदारी से काम करेंगी। सुधा कुमारी, आप किस पद के लिए नामांकन किए हैं, किस क्षेत्र से? मुखिया पद के। किस क्षेत्र से? पंचायत मुखिया। क्या मुद्दे लेकर के आप आए हैं चुनावी मैदान में? मैं सैनिक की पत्नी हूँ, सैनिक की तरह जीवन बिताया, सैनिक की तरह काम करूंगी। वहीं मीडिया से बातचीत में उनके पति विजय कारगिल ने कहा कि जिस तरह से सेना में काम किया है उसी तरह से पंचायत में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दों के साथ और पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। कौन इनका परिचय करेंगे? कैंडिडेट मेरी वाइफ हैं। मैं सेना से 16 साल सर्विस करके आया हूँ और मैं जैसे मैं सेना में देशभक्ति के लिए अपने सच्चे मन से सेवा किया, इसी प्रकार मैं अपने पंचायत की सेवा करूँगा और इसमें किसी का कोई सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि सैनिक ऐसे भी ईमानदार होते हैं और गांव के लिए भी ईमानदारी से काम करेंगे अपने पंचायतों के। क्या क्या मुद्दे लेकर के आप चुनाव मैदान में आए? मुद्दा भ्रष्टाचार सर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे पंचायत में, इसलिए इसको सुधारना है सर।